आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे अलार्म सेट हैं और ये एरोप्लेन मोड पर है, उसके बाद भी इस तरीके से एक्ट हुआ, क्योंकि अगर आप ना कैसे भी फ़ोन रख दो तो अलार्म तो बजना ही बजना है, ये वही चीज़ हो गई। सो सॉरी। चलो हम क्या बात कर रहे थे कि जो है आपको 3 billion ऑफ बेस्पेयर को आइडेंटिफाई करना है, इट मीन्स आपको उसका सीक्वेंस पता करना है, ए कहाँ है, टी कैसा है, लाइक अगर एक है आपके पास जी ना, ए टी जी सी, ये किस तरह से और कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंज्ड है, डन, कौन किसके बाद आया है, तो ये सीक्वेंस आपको पता करना है, एग्जैक्ट सीक्वेंस। फिर दूसरी बात, अच्छा ये जो काम कर रहे हो इसको स्टोर कहाँ करोगे, इसके बारे में भी हमको पता लगाना है कि हम इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, हमारा गोल ये भी है। इसके बाद है कि हम इसी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है और इसके डेटा को अगर हम एनालाइज करने वाले हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेटिक्स से है, एनालाइज करने वाले हैं, तो इसके लिए जो टूल है हम, जो हम इसके लिए तरीके यूज करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, मस्ट बी इन इम्प्रूव्ड फॉर्म, डन। फिर है कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को लेकर के बाहर, मतलब होता है ना कि हम टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर टेक्नोलॉजी है आपकी, कुछ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में हुई है, बट अभी मत उसको जानो क्योंकि सेम चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, वो भी आपका बायोटेक्नो वाला चैप्टर, डन, तो उसके लिए परेशान मत हो। और उसके बाद फिर ये आपका ये इथिकल पॉइंट्स, तो फिर ये आपके गोल्स हैं। वैसे बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, डन। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा ही चेंज है, बाकी सब सेम है, डन। आगे चले, ओके थोड़ा वेट करो, ओके ध्यान से सुनो, मेथोडोलॉजी, मेथड्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा, कोई भी प्लान अगर आपको करना होता है ना, कोई भी काम आपको करना होता है, तो पूरी डिजाइन आपके पास होनी चाहिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इससे क्या मिलेगा, ठीक है ना, तो वही चीज है। तो ये सोच रहे हैं मेथड्स कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, इन्होंने दो अप्रोचेस देखी कि हमारे पास दो तरीके हैं काम को करने के। पहला क्या कि आपके डीएनए में जो कोडिंग वाला पार्ट है, आपका जो डीएनए है इसमें कुछ कोडिंग का पार्ट है, यानी जीन वाला पार्ट है, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है, जो जीन नहीं है जहां पे, तो जहां जहां जीन है उसे कोडिंग पार्ट बोल रहे हैं। कोडिंग इन द मीन्स कि ये फाइनली आपको प्रोटीन बना के देगा, हाँ हर जगह तो ये काम नहीं होता है, तो जहां नहीं होता है उसे हम नॉन कोडिंग कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसे ट्रांसक्रिप्शन वाला कोडिंग एंड नॉन कोडिंग से मिस इंटरप्रेट मत करो, ठीक है, दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग। चलो, तो इसका जो कोडिंग स्ट्रैंड, सॉरी इसका जो कोडिंग वाला पार्ट है, यानी कि जो हमें कोड कर रहा है, जीन वाला पार्ट है, तो अगर हम, इन्होंने सोचा कि अगर हम, जब जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, तो क्यों ना हम उतने ही पार्ट को सीक्वेंस कर लें, उतने ही पार्ट की स्टडी कर लें, ठीक है। तो अगर हम उसकी स्टडी करते तो जो आइडिया आया ना, जो प्रोग्राम अभी आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, उसको इन्होंने नाम दिया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, टैग्स, अंडरस्टूड। अगर हम कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस करने जा रहे हैं, सो that idea must be called up like this, that expressed sequence tags, ठीक है। next है आपके पास non coding, non coding वो part है जिससे आपको कोई protein नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस approach में इसको कहा गया, अगर हम ये वाला technique use करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, है ना, हम इसे कहेंगे sequence annotation, ठीक है, इतना ठीक है। तो okay, इतना इनको समझ में आ गया कि अच्छा हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये फॉलो करेंगे या तो हम ये फॉलो करेंगे, एक लास्ट एक ही पे चलना होता है। लाइक वाइज दे सेलेक्टेड सीक्वेंस एनोटेशन, डन। आगे चले, आगे देखते हैं कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करोगे, तो यहाँ पे कोडिंग नॉन कोडिंग वही सेम चीज है जो मैंने अभी आपको समझा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको जो अभी जो आपको दिमाग में बिठा कर एक बात रख लेनी है, जब हम प्रिंसिपल प्रोसेसेस कराएंगे तो पूछेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस सिर्फ एक, जैसे अभी आप एक सेगमेंट पढ़ने वाले हो ना, एक सेगमेंट यहाँ का, एक सेगमेंट आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वहां से टॉपिक उठेंगे और उतने ही की पूरा आपका चैप्टर है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पूरा का पूरा एक साउथ इंडियन मूवी जैसा है, पहले आपको क्रक्स दिखा दिया जाता है, फिर उसका बैकग्राउंड दिखाया जाता है, अंडरस्टूड,
तो ये रहा आपका मटेरियल, आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। पहले ये सीक्वेंस लर्न करना सीखो, ठीक है। तो चलो करेंगे कैसे ये काम, आपने अप्रोचेस सोच ली, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मिंग क्या करना पड़ेगा बेटा, डीएनए आप लेंगे, डीएनए को छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए। अब और एक चीज और जान लो, जब आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो आपने आपको टेलर समझना, जितना अच्छा टेलर समझोगे उतना अच्छा उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, किसी चीज को मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने फिलहाल अभी यहां समझने की जरूरत नहीं है, वहां पे समझोगे, ठीक है। अभी कटिंग आ गया तो दिमाग में रखो, डीएनए लो, डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, ठीक है। जो टुकड़ा हो गया उसको मैं फ्रेगमेंट बोल लो, सही है ना। अभी जो फ्रेगमेंट है ना बेटा, अब मुझे स्टडी करनी है इन टुकड़े की, तो स्टडी करनी है तो हम चाहते हैं कि पहले इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लें, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज बना लें ताकि इसकी स्टडी हम बहुत ही अच्छे डेटा के साथ कर सकें। अच्छा, उसकी क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग को ही कॉपी करना बोलते हैं या फोटोकॉपी करना बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे मतलब हम रफ लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, कॉपी करना मतलब लाइक फोटोकॉपी करना, मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर आपकी कॉपिंग मशीन है, कॉपिंग मशीन को हम होस्ट कहते हैं, क्या बोला मैंने, कॉपिंग मशीन को या शॉप को, ये सही है, ये अच्छा है। जो शॉप है ना, फोटोकॉपी की जो शॉप है ना, वो यहाँ पर होस्ट है। कौन है होस्ट? अच्छा, इन्होंने होस्ट ना दोनों तरीके के लिए, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों लिया, बैक्टीरिया लिया, ईस्ट लिया, दिमाग में सभी भी सेट है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब हमें मशीन चाहिए, शॉप के अंदर घुस गए, मशीन चाहिए। तो जो चीज आपको शॉप के अंदर फोटोकॉपी करने में हेल्प करेगी वो है मशीन, ठीक है। मशीन को कहते हैं वेक्टर, ठीक है। हो सकता है कि स्टोरी बायोटेक्नोलॉजी आते आते मैं चेंज कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल माइंड में रखो, वेक्टर, वेक्टर समझ में आ गया, मशीन है, बेसिकली वो मशीन है। तो हमने क्या यूज किया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बेसिक याद रखो। ईस्ट में जब हम यूज करेंगे तो उसका वेक्टर कौन हो जाएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। मुझे पता भी ना तुम वेक्टर समझ में आ रहा है, ना होस्ट समझ में आ रहा है, ना ये सीक्वेंस समझ में आ रही है, एज इट इज रट्टा मारो फॉर द टाइमिंग। बायोटेक्नोलॉजी जाते जाते तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ओके। इतनी यहां पर भी जो आपने इतना रायता फैलाया है कि अच्छा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बैक्टीरिया यूज करेंगे, ईस्ट यूज करेंगे, भाई कोई एक यूज कर लो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन हुआ ईस्ट का, पता था कि चलो ठीक है, ईस्ट हमने फाइनल कर लिया। उसके बाद सांगर साहब जो है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा सीक्वेंसर जनरेट कर रखे थे, ठीक है। इनको सीक्वेंस करने का बड़ा शौक था, इन्होंने अमीनो एसिड के भी सीक्वेंस को डिकोड कर रखा था। तो इन्हीं के सीक्वेंसर को यूज करते हुए हम लोगों ने जो सीक्वेंसिंग करी, यानी कि इस पूरे मेथड में जो सीक्वेंसिंग का पैटर्न इस्तेमाल किया गया, उसको ध्यान क्या रखा गया, सांगर मेथड को ध्यान में रख के आपने सीक्वेंसिंग करी है, ठीक है। सांगर साहब का जितना भी इन्वेंशन है, ये अभी आपको बिल्कुल काम करनी है, यूजीपीजी में पढ़ते हैं हल्का सा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं, बट नाम याद रखो कि इन्होंने किया क्या है, इनका वर्क किस फील्ड का रहा है, ठीक है। इनका काम है सीक्वेंसिंग करना, है ना, इनको सीक्वेंस करने का बड़ा शौक था, ऐसे सीक्वेंसर जनरेट करते थे ये, ठीक है। आगे चले, जब भी आप ये पूरा प्रोजेक्ट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिला, एक्चुअली मिला ये कि ये पता चला कि बॉडी में 3164.7 मिलियन ऑफ बेस पेयर्स हैं, 3.1 बिलियन, जिसे हम बेस पेयर कह सकते हैं अगर हम उसे मिलियन से बिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो, ठीक है। तो मोटा मोटा कह लें, और फिर जब आगे चले तो उनको और पता चला कि 30,000 जीन्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एस्टीमेट किया था ना इन्होंने, तो करीबन 80,000 to 140,000 इन्होंने सोचा था कितनी होगी, लेकिन असली में पता चला चलो इतनी है, ठीक है। अब अगर कोई हम एवरेज जीन उठा लें, समझ रहे हो, ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें कि हम कोई भी एक एवरेज जीन उठाएं, मैंने पता ना कि एवरेज मेजॉरिटी अगर उठाएं, तो एक एवरेज जीन में आपको एक एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर्स या 3000 बेसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको जो आपको इसके आगे जो आपको जीन मिलेगा, ठीक है, ये काफी हद तक ये अपने में काफी ज्यादा है ना, ज्यादा तो है। इसके बाद हम लोग आते हैं एक जीन पर,
एक जीन है आपके पास डिस्ट्रोफिन जीन, आपकी बॉडी का डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें पाया गया कि ये 3000 से भी ज्यादा जीन्स अवेलेबल थे। ठीक है, अधिकतर में इतना ही होना चाहिए। एक एवरेज अगर हम सोचें, एक एवरेज जीन अगर ले लें, तो उसमें हमको ये मान सकते हैं कि 3000 बेसिस होंगे। ओके, लेकिन फिर हमने देखा कि डिस्ट्रोफिन नाम की जीन है, जिसके पास कितना आपके पास बेसिस है, 2.4 मिलियन बेसिस हैं। बात समझ गए? तो ये आपकी सबसे लार्जेस्ट जीन आई, जिसमें कि लार्जेस्ट जीन क्या, जिसमें एक ये एक ऐसी जीन थी जिसमें बहुत ज्यादा बेसिस थे। लार्जेस्ट जीन नहीं कह सकते, सॉरी लार्जेस्ट जीन कह सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसा पार्ट आया कि जिसमें आपको लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ कि आपको पेयर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, इस सेंस में आप कह सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट जीन और लार्जेस्ट लाइक आप क्रोमोसोम करके उसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट चैप्टर में क्रोमोसोम पे, जब मैंने बोला सब सब हाइट वाइज अरेंज है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बात इनको पता चली, और जो भी मैंने बताया ये भी इनके एक्सपेरिमेंट से होने के बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही पता चलता है। तो पहला क्रोमोसोम बड़ा है, उसके पास 2968 जीन है, इसको पूरा रटना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन जो क्रोमोसोम वाई है, जो सबसे लास्ट आता है, एक्स और वाई लिखोगे तभी तो वाई लास्ट में ही है ना, तो वाई जो लास्ट है उसमें 231 जीन्स हैं कम। ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम भी आपका। अच्छा, खास बात देखो, 99.9% सबका डीएनए ऑलमोस्ट सेम है, सबका, सबका मतलब सबका, हम सबका, हमारा तुम्हारा और जो बच्चे घर में सो रहे हैं, जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे उनका भी। ठीक है, क्या बोला मैंने, 99.9% सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है फिर? हम तुम अलग क्यों है? हम और तुम अलग है क्योंकि 0.1% अलग है, इसलिए हम अलग है। ठीक है, आगे चले। 50% जो आपकी जीन्स हैं, जितना भी आपने अभी जीन्स पता किया है, उसमें से जो 50% जीन्स है अभी भी उसका अभी भी उसका फंक्शन हमारे लिए क्या है, अननोन है। अभी भी उसका फंक्शन, इसे नोन मत लिख देना बेटा, इट्स अननोन। ठीक है, अभी भी उसका फंक्शन क्या है, अननोन है। तो हम तो इसको बिल्कुल जानते ही नहीं है अभी भी, यानी अभी भी हमें और ज्यादा स्टडी की जरूरत है। आगे आगे ये पता चला कि अगर आप पूरा डीएनए देख लीजिए तो वो लेस है, और कह दो 2% ही, या अराउंड 2% ही क्या करता है वो जीनोम, लाइक जो आपका पूरा डीएनए है वो कोड करता है आपके प्रोटीन के लिए। देखो कितना कम है जो प्रोटीन बनाता है, ओनली 2%, बाकी सब का सब कहाँ है, वो आपका नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। डन, आप थोड़ा सा रिपीटेटिव सीक्वेंस देखेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, रिपीटेटिव कुछ नहीं, जैसा जैसा नाम है वैसे ही रिपीटेटिव सीक्वेंस। अगर आपके पास टी ए जी सी है, जी सी है, और यही अगर हो गया ना 5 बार, 2 बार, 10 बार, ऐसा करके रिपीट हो गया, तो वी जस्ट कॉल इट रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ, इसको मैं रिपीट कर दूँ, सही कह रही हूँ ना, अगर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ तो ये हमारा क्या होगा, ये सीक्वेंस हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग स्नैप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान दो, पहले समझा देते हैं फिर बताते हैं। ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी, ये है पर्सन सी। इसकी हम एक पर्टिकुलर जीन उठा लेते हैं, सपोज हमने एक कोई क्रोमोसोम लिया और उसका एक जीन देख रहे हैं। ठीक है, या हम क्रोमोसोम पे ही सीक्वेंसेस देख रहे हैं, कोई भी हमने एक रैंडम इनका क्रोमोसोम ले रखा है, लेकिन सबका सेम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 लिया है सबका, सपोज क्रोमोसोम नंबर 2 लिया है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे यहाँ पे सीक्वेंसेस होंगे सबके। ठीक है, कोडिंग ही करना है, ऑलमोस्ट कोडिंग करना है, तो सीक्वेंसेस सेम होते हैं डिफरेंस के साथ। ठीक है, जो डिफरेंसेस आया, जैसे सपोज यहाँ पे जी जी यहाँ सी कर लो। ठीक है, लास्ट में यहीं पे सी सी कर लो, इसको लाइक सपोज ट्रिपल सी कर लो। ठीक है, बाकी सब में कोई खास डिफरेंस सपोज नहीं है, कोई सीक्वेंस में डिफरेंसेस नहीं है हमको, वैसे सिमिलर से कोई खास मतलब नहीं। पहले देखो इन सबके बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं, इन सबके बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं। पीटर लाइट ऑन करना भूल गए थे हम, मुझे याद आ रहा है, वेट वेट वेट, काफी कम लाइट आ रही है। चलो
देखो जो आपका है, हाँ जो हम बोले डिफरेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं, है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंसेस आ रहे हैं इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे इस तरीके के सीक्वेंसेस जहां पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो जगह है 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं। ऐसी आपको 1.4 मिलियन लोकेशंस मिल जाएगी जहां पर अगर आप पर्सन टू पर्सन कंपेयर कर लें तो वो अंतर आता है। बात समझ रहे हो? कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे इस तरह की सीक्वेंसेस हैं, इस तरह की चेंजेस हैं जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा डिफरेंट उस सेक्टर में बना देती है कि इसका पैटर्न इस पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। और ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन डीएनए में। ठीक है, चलो बच्चों आज यहाँ पे नहीं अभी उसकी बात करते हैं, एडवांटेजेस की। आपने इतना सारा काम तो उठा लिया, फायदा क्या हुआ? एडवांटेजेस देखो बेटा, अगर आप लोग भूल गए हो तो कुछ मैं आपको याद दिला देती हूँ। देखो मुझे कहाँ लिखा मिलेगा, इसी में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, लेट मी चेक। है। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैंने कहाँ बताया तुम लोग को, रुक जाओ। मिल गया, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, लेकिन देखो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं। ग्लूटामिक एसिड जब हमें चाहिए थी वहां पे वैलिन आ गई थी, क्यों आई थी? क्योंकि एक सिंगल बेस पेयर का अंतर आ गया था, जहां गैग होना चाहिए तो वहां गुग हो गया था, समझ रहे हो? तो एक सिंगल बेस पेयर का अंतर है, एक सिंगल बेस पेयर, और हमें डिजीज क्या हो गई, सिकल सेल एनीमिया, समझ रहे हो? एक सिंगल बेस पेयर का अंतर और हमको इतनी बड़ी डिजीज। अब आगे आते हैं, तो अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि गैग ही गुग हो गया है, तो अगर ये बात मुझे पहले से पता चल जाती है तो हम बहुत सारे पैटर्न्स का इस्तेमाल करके इसको करेक्शन, जैसे होता ना कि करेक्शन, जैसे हम जीन थेरेपी देते हैं, आगे आप लोग देखोगे तो हम इसके एडवर्स इफेक्ट को कम किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें अगर हम पहले से पता है तो उसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये एग्जाम्पल था, इसको कंसिडर मत करो, मतलब बात सुनो सिर्फ लिखने के तौर पे। अगर आपको कोई चीज, अगर किसी चीज का प्री नॉलेज हो जाती है ना, सीक्वेंस के बेसिस पर कि ये सीक्वेंस का फंक्शन क्या है और ये किस तरह से ह्यूमन बॉडी में हिंडर कर रहा है, तो आप उसके क्या कर सकते हैं, आप उसके प्री स्टेप्स ले सकते हैं, है ना, आप उस बंदे को बचा सकते हैं अगर किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, किसी तरह का बेस पेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। देन दूसरा एक पॉइंट है कि आगे आप लोग इसे देखेंगे, इसे आप ऐसे समझिए, जैसे हम, जैसे आजकल बहुत लोगों को इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि आपको सीधे कह दें तो डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमने इंसुलिन के लिए जो जीन है, इंसुलिन को कोड करने के लिए जीन है, आज मुझे उसका पैटर्न पता है, सपोज उसका पैटर्न मुझे पता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस जीन का सेम पैटर्न जानते हैं क्योंकि हम, इसलिए हमने इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से देखो क्या है रिकॉम्बिनेंट, आप आगे पढ़ोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या आप अभी बायोटेक में पढ़ोगे, सिर्फ नाम सुनोगे इसलिए बोल रही थी ना कि आपको ध्यान देना है, इस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके हम इस को आर्टिफिशियली बाहर ग्रो करा सकते हैं, और आर्टिफिशियल कल्चर करने के बाद आज इतने सारे इंसुलिन पेशेंट हैं, उसको हम इसे इस चीज को बना करके कमर्शियलाइज कर सकते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मेडिसिन सबको मिल पाए। आगे चलें, आगे है, आगे हम देखेंगे कि अच्छा आपने ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग तो कर ली, ठीक है, आपने ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग कर ली, ह्यूमन के अलावा भी किसी और पर भी ये ट्रायल्स देखे गए कि हम औरों की भी सीक्वेंसिंग कर लें। फ्यूचर आपको उसके गोल्स तब समझ में आएंगे जब आप बायोटेक्नो में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दो। ठीक है, इन्होंने और नॉन ह्यूमन मॉडल्स देखे, जैसे
इन्होंने देखा ईस्ट, देखा बैक्टीरिया, देखा ठीक है, एक इन्होंने एक नीमेटोड देखा, सी एलिगन करके नाम है, ठीक है, सीनो रैबिटाइटिस कहते हैं उसको, रैबिटाइटिस। ये आप तब पढ़ोगे ना क्या कहते हैं, जब आप लाइक यूजी या पीजी में अब स्पेशलाइजेशन लेते हो, या बीच में आपको एक डेवलपमेंटल जब आप देखते हो, एमपीओ डेवलपमेंटल स्टडी करते हो, डेवलपमेंटल स्टडीज में आपको ये मिलेगा, सी एलेवन आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है ये भी पता होना चाहिए, ये एक फ्री लिविंग नॉन डिपेंडेंट फ्री लिविंग नीमाटोड है। जब आप आगे चलोगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी एक खास बात कि नॉन पैथोजेनिक है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर नीट का क्वेश्चन भी आ जाता है, और नीट से खास मतलब नहीं, लेकिन अगर इसको उठा करके सीबीएसई ने वन लाइनर में दे दिया या फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया तो आपको फिल आना चाहिए। तो फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीमाटोड है, नीमाटोड याद है, ठीक है। तो इसके अलावा भी, हाँ मैंने ईस्ट बताया, बैक्टीरिया बताया, सी एलेगन बताया, इसके बाद जान लो कि ड्रोसोफिला है ना, फिर आपने एक राइस प्लांट किया, ये इतना करके आपने क्या किया, इसका भी इन्होंने नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं ये सब, जिसका इन्होंने आपकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसको देखा। खास बात क्या, इसका जितना रोल आपको यहाँ पे आपको से बताया गया था ये किया, लेकिन इसका जो रोल है, जो और इतना ईस्ट भी देखा, बैक्टीरिया देखा, आप सी एलेगन देख रहे हो, ड्रोसोफिला देख रहे हो, राइस देख रहे हो, क्यों देख रहे हो भाई, इसका भी तो आपको आगे कहीं कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ना, तो इसका यूज आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में, आप इसका इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका है चैप्टर, लास्ट हम लोग करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उससे पहले ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको कवर कर लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। जहां जहां कंसेप्चुअल है वहां कंसेप्चुअल देख लो, जहां रट्टा है वहां रट्टा मार लो, और जहां कोई दिक्कत होती है वो मुझे बता दो, मम्मी मुझे याद भी नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।